आज तक का पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगा प्राइवेट ओन्ड घर है, जो कि सिचुएटेड है कंबाला हिल्स मुंबई में। और इस घर की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि ये घर दुबई के बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा महंगा है। और ये घर किसी और का नहीं, $100 बिलियन यानी कि 8,32,000 करोड़ रुपए के मालिक मुकेश अंबानी जी की प्रॉपर्टी है। और इस घर को बनाने में $2.5 बिलियन यानी कि 20,000 करोड़ रुपए तक लग गए थे। तो आखिर ऐसा भी क्या खास है इस घर में कि आज के टाइम पे ये घर दुनिया का सबसे महंगा घर है। तो ये सब कुछ जानते हैं आज की इस वाली वीडियो में। तो इस 27 मंजिला एंटीलिया के अंदर ऐसे काफी सारे फ्लोर्स की सीलिंग्स हैं जो कि 2 से 3 मंजिलों के बराबर है। और इसी वजह से एंटीलिया की हाइट 568 फीट के साथ 50 से 60 मंजिल के बिल्डिंग के हाइट के बराबर की है। और इसी मैसिव हाइट की वजह से अरेबियन सी का सबसे प्राइम व्यू एंटीलिया के टॉप फ्लोर से देखा जा सकता है। तो एंटीलिया के स्टार्टिंग के 6 फ्लोर तक तो आपको मल्टी लेवल कार पार्किंग एरिया देखने के लिए मिलेगा। और ये कार पार्किंग एरिया इतना ज्यादा बड़ा है कि एक ही टाइम पे 170 कारों को यहाँ पे पार्क किया जा सकता है। और मुकेश अंबानी की रोल्स रॉयस फैंटम, मर्सिडीज मेबैक, फरारी और बेंटली कॉन्टिनेंटल जैसी 168 कार कलेक्शंस को यहीं पे पार्क किया जाता है। और इन सब कार के मेंटेनेंस के लिए एंटीलिया में इनका खुद का एक कार सर्विस स्टेशन है। और अगर कभी कार से ट्रेवल करने का मन ना हो तो इनके पास हमेशा इनके प्राइवेट हेलीकॉप्टर से ट्रेवल करने का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। वैसे तो मुंबई के एक घर के ऊपर हेलीपैड बनाना वायलेशन है रेजिडेंशियल लॉ का, पर आखिर एक बिलियनर को ऐशो आराम करने से कौन ही रोक सकता है। और इसी वजह से मुकेश अंबानी ने एंटीलिया के छत पे 3-3 हेलीपैड्स बना रखे हैं। कार पार्किंग से सीधा एक रास्ता सहाना लॉबी तक जाता है, जहां पर 1-2 नहीं बल्कि 9 एलिवेटर्स को लगाया गया है जो कि एंटीलिया के हर एक फ्लोर तक जाते हैं। और अगर अंबानी फैमिली के अलावा कोई और अगर इन एलिवेटर्स का यूज करे तो ये उन्हीं फ्लोर्स तक जाएंगी जहां तक का इनको एक्सेस दिया गया है। और सोचने वाली बात यह है कि ये 4,00,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग सिर्फ 5 लोगों के रहने के लिए बनाई गई है। तो नीता अंबानी की एक स्टेटमेंट से पता चलता है कि उनकी फैमिली इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे रहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट्स को उनकी फैमिली एंजॉय कर सके। यहाँ पर 2 फ्लोर पे एक रिक्रिएशनल सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर स्विमिंग पूल, जूस बार, डांस स्टूडियो, योगा स्टूडियो, स्पा सैलून, मसाज स्टूडियो और जिम तक देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर काफी बड़ा आलिशान हॉल डिजाइन किया गया है जिसे किसी भी इवेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर एंटरटेनमेंट की बात करी जाए तो यहाँ पर एक सिनेमा हॉल डिजाइन किया गया है जहाँ पर एक साथ 50 लोग मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इस घर में काफी सारे टेरेसेस और बालकनी तक देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर हर कोई बालकनी आपको प्लांटेशन के साथ दिखेगी। और एक साइड से एंटीलिया की दीवारें तक को प्लांटेशन से ढका गया है, जो कि गर्मी के टाइम पे एंटीलिया की दीवारों को ठंडा रखने का काम करती हैं। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो जब पूरी मुंबई में गर्मियों के टाइम में 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का तापमान हो रहा होता है, उसी टाइम एंटीलिया के एक एरिया में -10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो रहा होता है, क्योंकि इस घर में बनाया गया एक विंटर वंडरलैंड जहाँ पर स्नो जनरेटर की मदद से तपती हुई गर्मी में भी आर्टिफिशियल स्नो कराई जाती है। और इस आलीशान स्ट्रक्चर का डिजाइन शिकागो बेस्ड आर्किटेक्चुरल फर्म परकिंसन विल्स के द्वारा बनाया गया है। और इंटीरियर डिजाइन एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी सिमिक ग्रुप के द्वारा किया गया है। सोचने वाली बात है कि 5 लोगों के सर्विस के लिए एंटीलिया में 600 वर्कर्स का स्टाफ रखा गया है, जिसमें सेफ, क्लीनर, ड्राइवर, सिक्योरिटी स्टाफ से लेकर के इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स तक इनके फैमिली के और एंटीलिया के ध्यान रखने के लिए हमेशा एंटीलिया में काम करते रहते हैं। और इन 600 लोगों के रहने के लिए एंटीलिया में एक पूरा का पूरा फ्लोर डेडिकेटेड है जहां पर ये सारे के सारे स्टाफ्स रहते हैं। दुनिया की हर एक टाइप की फैसिलिटी और एंटरटेनमेंट के साथ साथ इस घर में एक आलीशान मंदिर तक बनाया गया है, जहां पर ऑलमोस्ट हर किसी हिंदू देवताओं की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। तो एंटीलिया के इस यूनिक स्ट्रक्चर को ऐसे ही नहीं बनाया गया है, क्योंकि इस इनक्रेडिबल स्काई स्कैपर का स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस हुआ है हिंदू रिलीजन से। जैसा कि हम सब देख सकते हैं, 27 मंजिला की इमारत के स्ट्रक्चर को 6 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। और अगर इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बॉटम टू टॉप देखा जाए तो इसका मतलब निकलता है अर्थ, वाटर, फायर, एयर, साउंड और लाइट, जो कि हिंदुइज्म के स्पिरिचुअलिटी के सभी एलिमेंट्स को डिफाइन करता है। ये सब कुछ अचीव करने के लिए एंटीलिया के स्ट्रक्चर को सन और लोटस को ध्यान में रख के बनाया गया है। और इसी वजह से एंटीलिया को बनाने के लिए ज्यादातर मार्बल्स, क्रिस्टल और मोतियों का इस्तेमाल किया गया है। तो एंटीलिया के इनिशियल सेरेमनी को तो नवम्बर 2010 में ही ऑर्गेनाइज कर दिया गया था, पर वो इस घर के इनिशियल सेरेमनी होने के बाद तुरंत ही इस घर में रहने के लिए नहीं जाते, ताकि अंबानी फैमिली के ऊपर किसी भी तरीके का बैड लक ना आ जाए। और इसी वजह से वो
जून 2011 में 50 जाने माने पंडितों से यहाँ पर पूजा करवाते हैं ताकि इस बिल्डिंग के वास्तु से रिलेटेड इश्यूज को पहले सॉल्व कर दिया जाए। और फिर तब जाकर के सितंबर 2011 में अंबानी फैमिली यहाँ पर जाकर के रहना शुरू कर देती है। और अगर इस घर के सबसे पहले बिजली के बिल की बात करी जाए तो वो एक महीने का 70 लाख रुपए के ऊपर ही था। तो एंटीलिया बिल्डिंग को भूकंप से बचाने के लिए इसे उसी तरीके से बनाया जाता है जिस तरीके से दुबई के बुर्ज खलीफा को बनाया गया था। एंटीलिया की फाउंडेशन को बनाने के लिए 200 पाइप्स को इसके नींव में गाड़ा जाता है जिसकी वजह से एंटीलिया की बिल्डिंग इतनी ज्यादा मजबूत हो जाती है कि अगर 8 मैग्नीट्यूड का भी अगर भूकंप आए तो इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और एंटीलिया जैसे इतने शानदार घर के प्रोजेक्ट को देख करके अनिल अंबानी भी चाहते थे कि उनका भी एक इस तरीके का घर बने। और इसी वजह से मुकेश अंबानी ने अपने घर के कंस्ट्रक्शन कंपनी को 2010 में इस प्रोजेक्ट को फाइनल करने का डेडलाइन दिया था। इसके बाद एंटीलिया के कंस्ट्रक्शन कंपनी अपने काम को तेजी से करना शुरू कर देते हैं। पर इस कंस्ट्रक्शन के टाइम पे पार्किंसन विल्स के सामने आती एक बहुत बड़ी चुनौती। जैसे कि हम सबको पता है कि मुंबई की उमस वाली गर्मी काफी ज्यादा झुलसा देने वाली होती है जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले कॉन्क्रीट अपने टाइम से पहले ही सूख जा रहे थे जिसकी वजह से इस बिल्डिंग की मजबूती में काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती थी। जिसके बाद इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को दिन में ना करते हुए रात में कंटिन्यू करना शुरू कर दिया जाता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।